हेलो स्टूडेंट, तो मशन इन स्टेटलाइन आमर कंप्लीट होता तो आज आम पढ़ा दे रिजर्व प्रोजेक्टाइल मोशन बुझे लगे ना। प्रोजेक्टाइल मोशन माने कौन ना गोटे बॉडी को आम प्रथम किसी एनर्जी दवा ताको कि इनिशियल वेलोसिटी दवा तापर आउ मझे किसी एनर्जी दवा ना बुझे लगे ना। सही प्रकार मोशन को आम कह प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे चक्टा को धरीजे प्रथम किसी वेलोसिटी दे किसी वेलोसिटी कि एनर्जी ताको देलापर से ऑटोमेटिकली जाए आगे पड़ो। सही प्रकार मोशन को आम कह प्रोजेक्टाइल मोशन ए मोशन इज सेट टू बी ए प्रोजेक्टाइल मोशन। देख ए मोशन इज सेट टू बी ए प्रोजेक्टाइल मोशन इन हुईच सर्टेन एनर्जी इज सप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड नो फर्दर एनर्जी इज सप्लाइड एंड नो फर्दर एनर्जी इज सप्लाइड टू दैट बॉडी थ्रू आउट ऑफ इट्स मोशन बुझे लगे ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लमें प्रथम इनिशियल एनर्जी किसी दवा तापर टोटल मोशन भितरे आउ कि एनर्जी दवा ना। सही प्रकार मोशन को आम कह प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन रे मु वर्तमान केस नेली केसटा है ये ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल हला। केसटा कौन हो देख मु दुटा एक्सीस नेली एक्स एक्सीस आउ गोटे नेली मु वाई एक्सीस हला। गोटे बॉडी को आम प्रोजेक्टेड करजे सर्टेन वेलोसिटी देली यू वेलोसिटी केते एंगल करके देला थीटा एंगल। तो बॉडीटा बर्तमान को प्रकार मोशन कर ए प्रकार मोशन कर बुझे लगे ना। ए प्रकार मोशन कर क्लियर। तो ये मोशन कला ये मोशन आम कौन कौन फाइंड करवा ना प्रथम गोटे फाइंड करवा मैक्सिमम हाइट ताको मुझे लिखुची एच एम आ गए कौन फाइंड करवा रेंज यहाँ कह रेंज बुझे लगे ना। केते वेलोसिटी आसी बाड़ेला ग्राउंड रे दैट इज योर भी हाईएस्ट पॉइंट रे केते वेलोसिटी थिबो एवं टोटल मोशन करिबा पई ताकू केते टाइम लगी थिबो बुझे लगे ना। तो यही सब जिनस आम बर्तमान फाइंड करवा तो कमी कौन फाइंड करवा बुझापाई चेष्टा कर यू को आम रिजल्यूशन करवा। तो जदि या को आम रिजल्व करवा तो एक्स डायरेक्शन ताको आम कौन लिखा यू एक्स
तले यू एक्स है गोटे कंपोनेंट कह रु भेक्टर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यु रो आउ गोटे कंपोनेंट वाई डायरेक्शन आम के लिखा यु वाई है तो यु एक्स रैल्यू के यु एंगल थीटा तले के लिखा यु कॉस थीटा को डायरेक्शन अच्छी ना एलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तले आम दबा कौन आई कैप यु आई रो आउ गोटे भैल्यू आसव या रिजल्व कले के लिखा यु साइन थीटा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मान जे कैप लिखिली तेना यु रो गोटे कंपोनेंट पाइले यु एक्स तार भैल्यू है यु कॉस थीटा आई कैप आउ गोटे कंपोनेंट है यु साइन थीटा जे कैप तले ये है गोटे भेक्टर ये है गोटे भेक्टर दुईटा भेक्टर को आम गोटे पॉइंट ड्र करजे तो जदि मु पैरेललोग्राम अप्लाई करमी तले ये हम तार रिजल्टेंट भेक्टर तो रिजल्टेंट भेक्टर को तले आम कौन लिख पारिबा यु भेक्टर इक्वल टू मु लिख पारमी यु एक्स आई कैप प्लस यु वाई जे कैप यु एक्स रैल्यू के ना यु कॉस थीटा आई कैप प्लस यु साइन थीटा दैट इज योर जे कैप हला तले एठी तुमर यु एक्स रैल्यू के यु कॉस थीटा यु वाई रैल्यू के यु साइन थीटा यु एक्स इज इक्वल टू यु कॉस थीटा यु वाई इज इक्वल टू यु साइन थीटा बुझेगा कि नहीं तो बर्तमान मुझे वेलोसिटी को रिजल्यूशन कले तो दुटा कंपोनेंट पाइले गोटे है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आउ गोटे वर्टिकल कंपोनेंट तो ये आम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आम कौन फाइंड करवा तार डिफरेंट पारामीटर किंतु पिला मैंने गोटे जिनस ये देख बुझापाई चेष्टा कर फंडामेंटल जिनस ये है गोटे बॉडी अच्छी से बॉडीटा वर्तमान भि स्पीड्रे मुव करुच्छी भि स्पीड्रे मुव करुच्छी सेम डायरेक्शन सहित जदि मुझे फोर्स अप्लाई करमी ताहले ए बॉडी रो स्पीडटा कौन हम इनक्रीज करिवो किंतु जो डायरेक्शन रे बॉडी जाउथला फोर्स देला पर भी सेम डायरेक्शन रे मोशन करिवो हला किंतु गोटे बॉडी उपरे जदि परपेंडिकुलरली गोटे फोर्स अप्लाई करिवा ता माने वेलोसिटी सहित जदि फोर्सटा थिबो परपेंडिकुलर सेही केस रे यार स्पीड चेंज हम ना जो स्पीड रे जाउथला सही स्पीड रे ही गति करिवो किंतु तार डायरेक्शन चेंज हो जाउथला ए डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई हला तोलु तो डायरेक्शन टा कोन चेंज हो जीवो तो डायरेक्शन चेंज हबो किंतु स्पीड चेंज हबो ना तले एथरो आज टू जानिलो गोटे कांसेप्ट इफ वी अप्लाइड ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज अनचेंज्ड बट इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड ऑलो पी क्लियर ओके कहबार कारण ये बॉडीटा वर्तमान आम फिंगी गोटे वेलोसिटी रे किसी समय पर बॉडीटा ऊपर को धीरे धीरे गला तापर तल को पलै आसला तल को कौन पाई पलै आसला ना तले आमर ग्राविटी अच्छे माध्याकर्षण शक्ति रोजी से टाणी आणुच्छे हला तले ग्राविटी बॉडी उपरे एटा बॉडी थी ना एटा बॉडी अच्छी ना तो ग्राविटी पाई एई बॉडीटा तल को पलै आसला तो ग्राविटी पाई एई बॉडी रे गोटे एक्सिलरेशन तैयारी हो ग्राविटी पाई एई बॉडी देह रे गोटे एक्सिलरेशन तैयारी हुए से एक्सिलरेशन टा कहबा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी से एक्सिलरेशन टा को कौन कहबा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी एवं से एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी टा को डायरेक्शन रे थिबो डाउनवर्ड डायरेक्शन कने ग्राविटी टा हुजी तळ आड़ को ना तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी डायरेक्शन कोडी थिबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे थिबो हला एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी रो डायरेक्शन टा कोन थिबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे थिबो तले मु तुमको ऑलरेडी कहिथिले रेफरेंस कथा मन पका मोशन इन स्ट्रेट लाइन ले रेफरेंस लाइन रो जहाँ भी पारामीटर आम ऊपर को धरवा ताको नबा प्लस रेफरेंस लाइन रो जहाँ भी पारामीटर आम तल को थिबो ताको आम नबा माइनस तो जेहेतु तुम जीरो डायरेक्शन टा तल को अच्छी कने को मु को जी लेखिमी ना जेडी जोर माइनस जी
कौन लिखा माइनस जी एवं देख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटीटा को डायरेक्शन अच्छे ना वाई डायरेक्शन अच्छे तेल वाई डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन टा या वाई डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन टा या लिखमी माइनस जी लिखमी ए वाई वैल्यू के माइनस जी बट ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस माने कोड़ा ये है तुम एक्स एक्सिस देखो एक्स एक्सिस डायरेक्शन वेलोसिटी केते अछि यू एक्स केते अछि यू एक्स तो तार स्पीड टा को हम खाली कौन लिखिबा स्पीड लिखिबा यू एक्स स्पीड कौन लिखिबा यू एक्स तो जेहेतु ग्राविटी डायरेक्शन टा डाउनवर्ड डायरेक्शन रहूछि एक्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन सो वी कैन से दैट दैट ग्राविटी कैन नॉट बी चेंज इट्स स्पीड कोई थी ना जेहेतु तुम्हारा ग्राविटेशनल फोर्स बा ग्राविटी तलकु रहूछि तो यूएक्स सहित तो केते डिग्री एंगल कला 90 डिग्री तो यूएक्स सहित तो 90 डिग्री एंगल से तैयारी करूछि किए ग्राविटी ग्राविटेशनल फोर्स टा एक्स एक्सिस सहित तो केते डिग्री एंगल करछि 90 डिग्री तो ताले ए ग्राविटेशनल फोर्स टा ए हॉरिजॉन्टल स्पीड को चेंज करि परबो नाही तो हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज होबनी माने कोन सबु बेले तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कौन सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज हम ना जदि स्पीड चेंज न हुए ताले हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के जीरो एक्सेलरेशन के आसो जदि स्पीडटा चेंज होना तो स्पीड तो रिमेन्स कौन रोज कन्स्टांट रोज कहीं ग्राविटेशनल फोर्स यूएक्स सहित 90 डिग्री एंगल करें जान लें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के जीरो है तो कंक्लूजन कौन ड्र कले ना हॉरिजॉन्टल स्पीड इज ऑलवेज कौन सेम बा कांस्टेंट किंतु वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म इज नॉन कौन यूनिफॉर्म कहीं नॉन यूनिफॉर्म है छुआ मैंने बुझ देख बॉडी जिते बड़े को बॉडी को जिते यू वेलोसिटी आम फिंगिले तार दुईटा कंपोनेंट आसला गोटे यूआई आसला गोटे यूएक्स आसला यूआईटा को डायरेक्शन अच्छी ना ग्राविटी रो अपोजिट डायरेक्शन अच्छी जेहेतु ग्राविटी रो अपोजिट डायरेक्शन रे अच्छी तो ग्राविटी कौन कर यार स्पीड को धीरे 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 कमेब कार स्पीड वर्टिकल स्पीड को ग्राजुअली कमेब से कमी 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 कमी, कमी हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी के जीरो यूआई वैल्यूटा हाइएस्ट पॉइंट के जीरो तापर से पुणी तौक पलि आस बुझेगा कि ना कहीं ग्राविटीटा यूआई सहित अपोजिट डायरेक्शन अच्छी तेनाली ग्राविटी फोर्सटा यार वर्टिकल वेलोसिटी को कमे सी जेहे तो वर्टिकल वेलोसिटी को तार मूल्यटा को कमे दौर तो तार स्पीडटा सब बड़े सामान रहा तो कह नॉन यूनिफॉर्म जिते स्पीड बढ़ी एक्सेलरेशन है पॉजिटिव स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो स्पीड कमिले एक्सेलरेशन हम नेगेटिव से तुम्हारा ग्राविटीटा यूआई वैल्यू को कमे दौर से एक्सेलरेशन टा कौन आसला माइनस जी दैट इज द कांसेप्ट ए वाई इज इक्वल टू कते माइनस जी हेलो क्लियर बुझी पार कि नहीं ओके तो एबे कौन कौन पैरामीटर फाइंड करवा ता विषय में आमे देखिया प्रथमे फाइंड करवा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी माने कौन ना एडा हला गुटे इक्वेशन जे हॉरिजॉन्टल आउ वर्टिकल मोशन भितर गुटे रिलेशन तैयारी करिवो हला मु कोई देउ छी लिखि पारुनी हाथर बथा आछि तुम लिखि देबो तुमरो रेकॉर्डिंग में जीवो सेते ल पॉज मारि के धीरे लिखि देबो मु डेफिनेशन टा कहि देउ छी इट इज द इक्वेशन एस्टैब्लिश ए रिलेशन इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल
motion of a body. Bujhena, it is the equation establish a relation in between horizontal and vertical motion of a body. Clear? तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आम के कौन फाइंड करवा देख प्रथम एक्स एक्सिस को कंसीडर कर फर्स्ट कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एस इक्वल टू फॉर्मूला कौन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आम जानचे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जेहेतु आम एक्स एक्सिस नहीं जे तो सबू भेक्टर को आम एक्स एक्स लिखा टाइमटा लिखनी टाइमटा गला गोटे स्केलर खाली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वाला वेक्टर, एक्सेलरेशन वाला वेक्टर, से पाखे एक्स 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 निकली तो एक्स डायरेक्शन टाक मुझे नौ एक्स एक्स इज इक्वल टू यूएक्स यूएक्स रैल्यू आम के पाइजे देख यूएक्स इक्वल टू यू कोस थीटा तो यू कोस थीटा इंटू टी बुझेगा कि नहीं एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी ए एक्स रैल्यू के जीरो एक्सिलेशन एलंग एक्स एक्सीस है जीरो तेल एक्स इक्वाल टू यू कोस थीटा इंटू टी तो यही टीटा कौन ना टाइम कौ टाइम ना यही बॉडी को यू एठिक आसवापी जीक टाइम लगे यही पॉइंट रु यही पॉइंट को आसवापी जीक टाइम लगे से टाइमटा को आम नौजे टी एक्स इक्वाल टू यू कोस थीटा टी यदि एक्स इक्वाल टू यू कोस थीटा टी तेल टी इज इक्वाल टू मुझे लिखिपरि कह एक्स वाई यू कोस थीटा एक्स वाई के लिखिपरि यू कोस थीटा ओके एबे वाई एक्सिस पाखक आस वाई एक्सिस जब आम कनसीडर करवा से भाया लिखा एस इक्वाल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो जोड़ी जोड़ी अच्छी तुम वेक्टर क्वांटिटी से जगह आम वाई वाई लिखा तो डिस्प्लेसमेंट एलंग वाई एक्सिस कौन ना दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू वाई टी यू वाई वैल्यू के यू साइन थीटा तो रहा यू वाई जगह लिखिली यू साइन थीटा सॉरी यू साइन थीटा क्लियर तो यू साइन थीटा देन इनटू के लिखा टी टी वैल्यू के कह ना टी वैल्यू है एक्स वाई यू कोस थीटा तेल एक्स वाई मुझे लिखिली यू कोस थीटा तापरे प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ए वाई वैल्यू है माइनस जी तो माइनस जी वाई टू इंटू एक्स स्क्वायर किए सॉरी टी स्क्वायर कौन ना टीटा है एक्स वाई यू कोस थीटा तो टी स्क्वायरटा के कह ना एक्स स्क्वायर वाई के एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बुझेगा कि नहीं मुझे लिभे दे पा मैंने तो यू को यू कौन है कैंसल आउट तले वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाय कोस थीटा है टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तर जो इक्वेशन टा पाइले से इक्वेशन टा का भीतर रिलेशन देला एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन भीतर गुटे रिलेशन आम तैयारी कलु यही इक्वेशन टा कहते इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बुझिपारल कि नहीं पिला मैंने ओके एबे आमे फाइंड करिबा टाइम ऑफ फ्लाइट कौन फाइंड करिबा टाइम ऑफ फ्लाइट माने उड़ीबा तो ताको टोटल जर्नी को कंप्लीट करिया पाई तार जर्नी को कंप्लीट करिबा पाई जेतिको टाइम लागिवो सेई टाइम टाको आमे कौन कहिबा टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट तर सिंबल है कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेशन है इट इज द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट इट्स जर्नी इट इज द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट इट्स जर्नी तो जर्नी को कंप्लीट करवा पाई जितको टाइम लगुच लगी थाए से टाइम टा कह टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाक आम के फाइंड करवा देख
पूरा सर्टकट रे बतौ पूरा इजी मेथड रे बॉय रे बहुत बड़ बड़ करते बेकार आम जे एस इक्वाल टू यूटी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वाल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन को कंसीडर कर वाई डायरेक्शन को कंसीडर कर मत कह बॉडीटा थिला एडी बॉडी आसी पहुँचला एडी तले वर्टिकल डायरेक्शन रे केते डिस्प्लेसमेंट कवर कला थिला धरा जो जीरो कमा जीरो रे आसी पहुँचला धरा जो ए पॉइंट आला एक्स कमा जीरो रे आसी पहुँचला तने एटी वाई भी थिला केते जीरो एटी वाई भी केते अछि जीरो तने खाली हॉरिजॉन्टलटा हला जीरोटा एक्स हला कि जो जीरो थिला सही जीरो ही अछि त माने वर्टिकल डिस्टेंसटा केते जीरो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट केते होबो जीरो तने एस वाई हला जीरो यू वाई टा ऊपर को अच्छे माने हमें प्लस लिखा यू वाई रे वैल्यू केते कहिले यू साइन थीटा होल इनटू कौन लिखा टी ए टी टा को मो कैपिटल टी नौ सही टी टा हला टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हम कौन पाई ना एक्सेलरेशन टा माइनस जी तो माइनस हाफ जी स्मॉल टी जगह कैपिटल टी पकेली हाफ जी टी स्क्वायर तने मुझे लिखिपारिमी हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा होल इंटू के लिखा टी तो गोटे टी को गोटे टी कैनसल हो गला तेरे टी इज इक्वल टू फर्मूला के आसला टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी तो टी इक्वाल टू टू यू साइन थीटा बाई के जी तो बर्तमान देख पा मैंने इंटरेस्टिंग कथा टी इज इक्वाल टू टू इंटू यू साइन थीटा को आम कौन लिखी यू वाई तो टी फॉर्मूला हम टू यू वाई बाय के लिखिपर जी तो टी इक्वाल टू टू यू वाई बाय जी ये टाइम ऑफ फ्लाइट बुझेगा कि नहीं ओके सेकेंड रे आसो वन गला टू गला थर्ड मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट डेफिनेशन निजे लिखिपर मैक्सिमम हाइट सिंपल निज एच एम हला वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कहवा मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमें कहजे मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट आम कमी फाइंड करवा भि स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला कौन ई स्क्वायर प्लस टू एस जोड़ी जोड़ी थी वेक्टर क्वांटिटी से आम बर्तन मुझ वाई डायरेक्शन लिखिली वाई डायरेक्शन कंसीडर कर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन तो देख मैक्सिमम पॉइंट रे जो बॉडी को आम ऊपर को फिंगुजे हाईएस्ट पॉइंट रे बॉडी रही जाऊँ कहीं रही जाऊँगी से पॉइंट वैल्यूसीटी हो जीरो इज इक्वाल टू यू वाई रैल्यू के यू साइन थीटा ऊपरको अच्छे ना तो प्लस तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ना एमती लिखिद यू स्क्वायर वाई ओके माइनस कहीं है ना तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी है ए रैल्यू हम माइनस जी एस वाई मैंने ऊपरको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के एच एम जेहेतु तो ऊपर को अच्छे प्लस प्लस एच एम तो यह सल्व कले एच एम रैल्यू के आसला ना यू स्क्वायर वाई बाय के लिखिपर टू जी यू स्क्वायर वाई बाय टू जी यू वाई रैल्यू के यू साइन थीटा तो यू साइन थीटा होल स्क्वायर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय मुझे लिखिपारमी टू जी तेरे मैक्सिमम हाइट इक्वल टू एच एम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय के टू जी बुझेगा ना पिला मैंने ओके ये गला तुम्हारा मैक्सिमम हाइट एबे मैं फाइंड करवा चार नंबर रेंज क
कौन फाइंड करवा रेंज रेंज माने कौन रेंज डेफिनेशन टा मु कोई रखुची पिला माने सुना इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए बॉडी केते मैक्सिमम आगो को आसी परिवो बॉलटा केते मैक्सिमम आगो को आसी परिवो सेइडा को हमें कौन कहबा ना सेइडा कहबा रेंज कौन कहबा रेंज रेंज सिंबल हैला आर तले को डायरेक्शन हैला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माने को एक्सिस नबा एक्स एक्सिस को एक्सिस नबा एक्स एक्सिस न तो एस इक्वल टू मु लिख देले यू टी प्लस केते हाफ ए टी स्क्वायर जोड़ी जोड़ी वेक्टर क्वांटिटी से आम लिखिले एक्स एक्स दे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टा बर्तन आग को केते बाट जीव आग केते बाट जाउची आर यू एक्स वैल्यू आम केते पाइजे यू कॉस थीटा मु कहिथिले पिला माने टोटल मोशन को जर्नी करिया पय जतिको टाइम लागे से ला टाइम ऑफ फ्लाइट ए एक्स वैल्यू केते जीरो सो दैट सिंप्लाइज आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा को मु केते लिख परिमि यू एक्स केते लिख परिमि यू एक्स टी रो वैल्यू केते टू यू वाई बाई केते जी तो रेंज रो फॉर्मूला बे कोन आसीला ना आर इक्वल टू टू इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी रेंज रो फॉर्मूला आसीला आर इज इक्वल टू टू इंटू यू एक्स इंटु यू वाई बाई केते हला जी हला एटा सॉल्व करवा टू इंटु यू एक्स वैल्यू केते यू कॉस थीटा यू वाई वैल्यू केते यू साइन थीटा डिवाइड बाय आम के लिख पारा ना डिवाइड बाय जी लिख पारा सो आर इज इक्वल टू यू इंटु यू केते यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटु कॉस थीटा कहार फॉर्मूला साइन टू थीटा डिवाइड बाय केते लिख पारा जी तो रेंज रो फॉर्मूलाटा भी लिखिपर तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय केते लिखिपर जी ए भूल लिखिले नो 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 साइन स्क्वायर साइन टू थीटा ना यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय केते जी क्लियर ओके एबे नेक्स्ट जिनस आम देखा मत कह मैक्सिमम हाइट रे मैक्सिमम हाइट रे भी वाई रो वैल्यू केते हेला मैक्सिमम हाइट रे भी वाई रो वैल्यू केते जीरो भी वाई केते जीरो किंतु ये तो सब समान रहा ना कहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हॉरिजॉन्टल स्पीड तो केवे चेंज हेनी ना हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कौन रोज सेम तो थिला केते प्रथम यू कॉस थीटा ये रेते से यू कॉस थीटा किंतु वर्टिकल वेलोसिटी टा केते हिजबो जीरो हॉरिजॉन्टल स्पीड टा चेंज होबो नहीं कोई दे ऑलरेडी हां तो हमें आर फॉर्मूला पाइले यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी तो आर वैल्यू मैक्सिमम की मिनिमम डिपेंड करिवो का ऊपर साइन टू थीटा ऊपर कना यू आउ जी तो प्रथम कांस्टेंट अछि ना एंगेलटा चेंज हेले आर वैल्यू भी चेंज हो को एंगेल रे आम गोटे बॉडी को फिंगीबा को एंगेल रे गोटे बॉडी को फिंगिले से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करिवो को डायरेक्शन ले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तले इफ तले जदि साइन टू थीटा हबो मैक्सिमम तले आर हबो मैक्सिमम तो इफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू मैक्स देन आर विल बी मैक्स देन आर विल बी कौन हबो आर मैक्स साइन थीटा रा मैक्सिमम वैल्यू केते साइन थीटा रा मैक्सिमम वैल्यू केते 1 दैट इज इक्वल टू साइन टू थीटा 1 केते डिग्री साइन 90 डिग्री तो थीटा 2 थीटा केते डिग्री 90 डिग्री तो थीटा केते डिग्री 45 डिग्री तले 45 डिग्री रे
जदि गोटे बॉडी को आम फिंगीबा तले से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर तले अंडर से थीटा है जो थीटा 45 पकेबा तले आर टा को लिखा आर मैक्स थीटा जो 45 पकेबा तले आर टा कौन हम आर मैक्स तो साइन 2 इंटु 40 साइन 90 साइन 90 वैल्यू होगा 1 तो रहा कहते कह यु स्क्वायर वाइज कहला यु स्क्वायर वाइज से ही केस रे 45 डिग्री एंगल रे प्रोजेक्शन कला बेले आर टा है आर मैक्स से ही केस देखिया मैक्सिमम हाइट केते होबो ना मैक्सिमम हाइट रा फॉर्मूला है यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g बुझे लगे ना थीटा केते है 45 साइन 45 वाला 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 स्क्वायर केते 1 बाय 2 त रहला केते को यु स्क्वायर बाय 4g बाइडा को लिख परमी यु स्क्वायर बाय जी कार फॉर्मूला आर मैक्स तले आर मैक्स बाय 4 लिख परमी आर मैक्स बाय 4 तले एच एम इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 4 एटा केते हबो ना व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कंप्लीटेड ओके एबे हमें पढ़िया कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कौन कौन से देखो से कौन जी गुटे बॉडी को हमें थीटा डिग्री एंगल ले प्रोजेक्ट करिबा यू वेलोसिटी रे आउ गुटे बॉडी को सही यू वेलोसिटी रे प्रोजेक्ट करिबा किंतु 90 माइनस थीटा एंगल रे ता माने याको 30 डिग्री फिंगिबा ता याको 60 डिग्री फिंगिबा बुझियो लागि नै तो दीटा आसीबो प्रोजेक्टाइल गुटा आसीबो ए प्रकार आउटा आसो ये प्रकार तो कथा सा देख बोथ केस रेंजटा सामान रोजना थीटा डिग्री एंगल कला बेले जतिक रेंज हो 90 माइनस थीटा कला बेले सेतिक रेंज रोज आर वन इक्वाल टू आर टू हूँ केमती का देख ना आर वन इज इक्वाल टू मुझे लिखी यु स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी तो ये एंगेल प्रोजेक्शन केटा सेकेंड केस्रेजर फर्मूला कौन हम यु स्क्वायर साइन टू थीटा थीटा बदल आम के लिखा कौटा 90 माइनस थीटा लिखा बाय जी तो सॉल्व कले के आसो कह यु स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय के जी और दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा के साइन 2 थीटा हम ट्रिगोनोमेट्री सार पढ़े थे तो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी तने ये भी कहते कह आर टू देख आर वन रैल्यू जहाँ थी आर टू रैल्यू भी सीआर होने आर वन इज इक्वाल टू आम कौन लिखा आर टू तेल 30 डिग्री एंगेल प्रोजेक्ट करवा जा 60 डिग्री करवा सी 15 डिग्री कले जी बाट जीव 75 डिग्री कले भी से बाट जीव बुझेगा ना तो रेंज कौन रेम तो जो एंगेल जो थीटा 90 माइनस थीटा से कहते कौन कम्प्लीमेंटारी एंगेल सेटा को आम एंगेल कह कम्प्लीमेंटारी एंगेल बुझे कि ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जरा मुझे पाइन कि वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर वाई टू यु स्क्वायर को स्क्वायर थीटा ये इक्वेशन टा कहीं काढ़ाई था जान ना ना ये इक्वेशन रु आम जापर जे जो पार्टिकलटा मोशन करो पाथ्रे मोशन करुच्ची सेटा को प्रकार पाथ से स्ट्रेट लाइन पाथ ना सर्कुलर पाथ
ना पाराबोला ना हाई पाराबोला ना इलिप्स तो तुम पढ़ा जीव आग को मैथमेटिक्स अच्छे गोटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो से देखो यहाँ है गोटे पाराबोलार इक्वेशन कार इक्वेशन पाराबोलार इक्वेशन तमाने प्रोजेक्टाइल मोशन ले बॉडीटा को प्रकार पाथ्रे मोशन कर ना पाराबोलिक पाथ्रे को पाथ्रे पाराबोलिक पाथ्रे कंप्लीटेड ओके तो गोटे प्रॉब्लम करिया तो डाउट क्लीयर करिया तो गोटे बॉडी को प्रोजेक्ट करागला थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप वेलोसिटी रे मीटर पर सेकेंड थीटा एंगल में तो आसी पड़ एमती पड़ा तो से मागिला सब फाइंड करते कहला फाइंड ऑल सब फाइंड करवा केमती केमती फाइंड कर देख तो आमर एक्सप्रेशन कौन थी यू इक्वल टू यु एक्स आई कैप प्लस यु वाई जे कैप ये एवं यु एक्स रैल्यू के यु कॉस थीटा यु वाई रैल्यू के यु साइन थीटा यु एक्स बदल कौन अच्छी थ्री यु वाई बदल किए अच्छे फोर बुझेगा कि नहीं तो डिवाइड कर दियो यु वाई बाय यु एक्स यु आई वाई यु एक्सटा डिवाइड कले यु साइन थीटा बाय यु कॉस थीटा यु साइन थीटा बाय यु कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा यु एक्स रे वैल्यू केते थ्री थ्री बाय फोर इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा केते डिग्री हाब 37 डिग्री थीटा केते डिग्री 37 केमती 37 हैला मु कहिथिली 3 बाय 4 37 डिग्री केमती कहिथिली आगर हैला ओके तो ये गला तुम्हार एंगल मिलगला टाइम फाइंड करवा टाइम फॉर्मूला कौन थी टू यु वाई वाई जी तो टू जी रैल्यू टेन नहीं जावा टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यु वाई रैल्यू के फोर फोर टू एट जीरो पॉइंट एट सेकेंड मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला थी यु स्क्वायर वाई बाय टू जी यु वाई के चार षोह बाय जीरो पॉइंट एट मीटर आर वैल्यू के रेंज के टू यु एक्स इंटू यु वाई वाई जी तो दैट इज इक्वल के चार तीन बार दिन चौबीस टू पॉइंट फोर मीटर टू पॉइंट फोर मीटर यही जगह रे मैक्सिमम हाइट रे किए थी खाली किए थी थ्री मीटर पर सेकेंड थी मैक्सिमम हाइट रे वेलोसिटी खाली रोब यु एक्स रो यु भि वाई वैल्यू के जीरो क्लियर ना क्लियर नुह पचारा यहीटा केलोसीटी बाड़ब तो ये कंपोनेंट ड्र कर दीटा तो ये किए ये तो सब रत थ्री आई कैप ये ऊपर को थिला केते फोर जे कैप तल को हम माइनस फोर जे कैप तो यार वैल्यू के थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप अरे ये थ्री आई कैप ना और ये फोर जे कैप नो कि तो ये थ्री आई कैप तो ये भी रहा थ्री आई कैप ऊपर को फोर जे कैप तो तल को कौन हम माइनस फोर जे कैप तो ये रिजल्टन तो थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप गोटे लाइन लाइन आंसर बाहर फंडामेंटल कन्सेप्चुअल क्लियर हवा दरकार ना कि नो पाठ बुझीपर मुझे गाराएनि जितिया देमी से पूरा कन्सेप्ट देमी